हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी प्रमोशन सीनियोरिटी बेसिस वर्सेस मेरिट बेसिस, और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इवन जो ग्रुप डिस्कशन होती है उसके अंदर भी ये कई बार ये जो है टॉपिक दिया जाता है, और एग्ज़ाम के अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। देखो, ये जो टॉपिक है इसका अर्थ है कि जो प्रमोशन है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे। सीनियोरिटी का अर्थ होता है लेंथ ऑफ द सर्विस, मेरिट होता है एबिलिटी के बेसिस पे। तो क्या प्रमोशन लेंथ ऑफ द सर्विस के बेसिस पे होनी चाहिए, क्या एबिलिटी के बेसिस पे होनी चाहिए? तो इस लेक्चर के अंदर जो है ये टॉपिक भी मैंने कवर किया है। इस टॉपिक के अंदर इसी के साथ ही मैंने प्रमोशन का अर्थ क्या होता है, प्रमोशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको भी मैंने इस टॉपिक के अंदर जो है कवर किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमोशन। देखो, प्रमोशन का जो हिंदी का अर्थ होता है तरक्की, उन्नति। प्रमोशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए जॉब विच पेज मोर मनी और वन डैट कैरी सम प्रेफर्ड स्टेटस। देखो, प्रमोशन जो है जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं तरक्की है या एडवांसमेंट है। तो देखो, प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि डैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांसफ़र होती है जहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और नेचुरली ऐसा भी होता है कि वहाँ पे उसका स्टेटस भी इंक्रीज़ हो जाता है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वहाँ पे वो असिस्टेंट मैनेजर है, तो प्रमोशंस देके उसको मैनेजर बना दिया जाता है। उसी तरह कोई ऑफिसर लेवल पे है तो उसको सीनियर ऑफिसर बना दिया जाता है। तो प्रमोशन के अंदर उसका डेजिग्नेशन भी चेंज होता है, उसकी सैलरी भी चेंज होती है। और प्रमोशन के अंदर क्या है कि ये अपवर्ड मूवमेंट होती है, करंट स्टेटस से हायर स्टेटस पे जाती है। पहले वो असिस्टेंट मैनेजर था, अब वो मैनेजर हो गया। प्रमोशन इज़ एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए बेटर जॉब। देखो, प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि उसको बेटर स्टेटस मिलता है, बेटर जॉब मिलती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, और ज़्यादा स्किल की ज़्यादा स्किल उसकी जो है डिवेल्प होती है, और उसी तरह उसकी सैलरी भी जो होती है इंक्रीज़ होती है। तो प्रमोशन का अर्थ होता है कि जब हम व्यक्ति को प्रमोट करते हैं तो उसकी जो डेजिग्नेशन होता है चेंज हो जाता है, उसकी स्किल उसकी जो पे है वो भी पहले से बेटर हो जाती है, और स्टेटस भी पहले से बेटर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है क्यों प्रमोशन करती हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं तो वहाँ पे प्रमोशन क्यों की जाती है? अब देखो, जो प्रमोशन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर एम्प्लॉय डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो प्रमोशन क्या है, एक नेसेसरी इंसेंटिव है जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो सिंसियरिटी के साथ काम करें। और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन देती है तो अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो कि एबल एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको रिटेन करने की कोशिश करती है, और जो एम्प्लॉयज़ के अंदर असंतुष्टि होती है, डिसकंटेंटमेंट होती है, उसको रिड्यूस करती है। और प्रमोशन के बेसिस पे क्या होता है कि सूटेबल वर्कर को जो है अट्रैक्ट किया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि प्रमोशन के बेसिस पे क्या होता है कि नेचुरली जब उसकी प्रमोशन होती है तो उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि प्रमोशन के अंदर जो उसको जॉब मिलती है उसको वो अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सके। और जो टाइप्स ऑफ प्रमोशन है, देखो, वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि पहले जैसे असिस्टेंट था, अब उसको मैनेजर बना दिया। अपर आउट का अर्थ होता है कि देखो, या तो हमारा स्टेटस पहले से ऊपर हो गया, या कई बार क्या होता है कि जैसे हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रहे हैं लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर की पोजीशन निकलती है और वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन मिल जाती है। ड्राई प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रमोशन। तो देखो, प्रमोशन के अंदर क्या है कि पॉलिसी जो है डैट शुड बी इन रिटन फॉर्म, और पॉलिसी जो है बताए कि अगर हाई लेवल पे है तो कहाँ से कितना प्रतिशत इंटरनल सोर्सेज यूज़ होगा, कितना प्रतिशत जो है एक्सटर्नल सोर्सेज होगा, और उसके अंदर बेसिस क्या होगा, सीनियोरिटी होगा, मेरिट होगा, या सीनियोरिटी कम मेरिट होगा, तो किस तरह से हमने सीनियोरिटी को कितनी वेटेज देनी है, मेरिट को कितनी वेटेज देनी है, और जो हमारी प्रमोशन पॉलिसी है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, और प्रमोशन पॉलिसी जो है फेयर एंड इम्पार्शल होनी चाहिए, किसी के साथ वितकरा ना करे, साइंटिफिक बेसिस होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम प्रमोशन कर सकें, जो रूल्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियर होने चाहिए, और प्रमोशन पॉलिसी जो है एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए, और प्रमोशन की जो रिकमेंडेशन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ
ऑफ द प्रमोशन, सीनियोरिटी हो सकता है, मेरिट बेसिस हो सकता है। सीनियोरिटी का अर्थ होता है कि जो सीनियर व्यक्ति है, लेंथ ऑफ सर्विस के कितने साल हो गए इसको यहाँ पे जॉब करते हुए। मेरिट के बेसिस का अर्थ होता है कि जो एबल है, एफिशिएंट है, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलती है। देखो, जब हम प्रमोशन कहते हैं कि सीनियोरिटी बेसिस पे है, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर क्या होता है कि सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर व्यक्ति है उसकी प्रमोशन होगी। तो यहाँ पे देखो, ये रिसर्च से पाया गया है कि जितने साल हो गए उसको जॉब करते हुए, अगर लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है तो नेचुरली वो बंदा ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंसड होता है। तो जब प्रमोशन सीनियोरिटी के बेसिस पे होती है तो फेवरेटिज्म नहीं होता, क्योंकि देखो जब पता है कि इतने साल के बाद हमें ये प्रमोशन मिलनी है, तो नेचुरली, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने जॉब को ज्वाइन किया है 10 साल के बाद है, तो नेचुरली 10 साल के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊँगी। तो यहाँ पे किसी के साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्योंकि लॉजिकली जब किसी व्यक्ति के 10 साल पूरे हो जाएंगे तो ही उसकी ऑटोमेटिकली जो है प्रमोशन हो जाएगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर सीनियोरिटी के बेसिस पे करते हैं, जैसे देखो हर चीज़ के साथ क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा होता है, तो सीनियोरिटी के साथ कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। तो ये सिंपल है, और ये देखो एम्प्लॉयज़ का मोराल भी हाई करती है, उनकी एस्पिरेशन को भी सेटिस्फाई करती है कि मुझे इतने साल हो गए हैं काम करते हुए और ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रमोट किया। और ये इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि हमने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है बंदे को प्रमोट कर दिया। और यहाँ पे जो व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन पहले जानती है, जो जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में इंडिकेशन है, उसकी प्रमोशन होती है। लेकिन डीमेरिट्स के अंदर क्या होता है कि देखो, जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं वो कई बार इतने सफिशिएंट नहीं होते। जो जैसे प्रमोशन मैनेजर की पोस्ट है, तो मैनेजर की पोस्ट के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी का पर्सन चाहिए, तो हो सकता है इंटरनल सोर्सेज से वो व्यक्ति उस कैपेबिलिटी को पूरा ना कर सके। और कई बार ये भी होता है कि देखो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सरकारी नौकरियाँ हैं, तो उसके अंदर घोड़े और गधे के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, काम करते हैं चाहे नहीं करते हैं। देखो, जो काम करता है वो तो वहीं का वहीं रह जाता है, जो व्यक्ति सीनियर होता है चाहे वो काम करता है चाहे नहीं करता, उसको प्रमोशन मिल जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति सीनियर है तो इसको सब कुछ आता है। और उसी तरह जो कॉम्पिटेंट है और इनकॉम्पिटेंट है, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीनियर व्यक्ति है, मैंने आपको बताया, हो सकता है कि उसको कुछ भी ना आता और स्टिल उसकी प्रमोशन हो जाती है। और कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो सीनियर व्यक्ति को वो चीज़ें आती ही नहीं होती। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं कि जो सीनियर व्यक्ति है, ज़रूरी नहीं है वो नॉलेजेबल हो, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा इनोवेशन हो। अब हम देखते हैं कि प्रमोशन अगर मेरिट के बेसिस पे होती है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, मेरिट्स का मतलब होता है एफिशिएंसी के बेसिस पे, एबिलिटी के बेसिस पे, कॉम्पिटेंस के बेसिस पे, कि यहाँ पे जो हम प्रमोशन कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंस के बेसिस पे कर रहे हैं, एबिलिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जब हम मेरिट बेसिस पे बात करते हैं, तो व्यक्ति की स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, एबिलिटी क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा कैपेबल व्यक्ति है उसकी प्रमोशन होती है। और नेचुरली मेरिट जो होती है जॉब परफॉर्मेंस के द्वारा देखी जाती है। अब हम देखते हैं कि देखो, जो मेरिट है इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो देखो, जब हर बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि मेरी काबिलियत को पहचाना जाएगा, अगर मैं काबिल हूँ तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, तो हर व्यक्ति जो है डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ काम करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। और देखो, नेचुरली यहाँ पे अगर मेरिट बेसिस पे है तो एम्प्लॉय को हमेशा इंकरेजमेंट मिलती है कि हमने अपने आप को पहले से बेटर कैसे करना है। और उसी तरह क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसका मोराल भी अपलिफ्ट होता है। लेकिन देखो, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। देखो, अब ये व्यक्ति स्किलफुल है, ये व्यक्ति स्किलफुल नहीं है, इसको मेयर करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जजिंग ऑफ द मेरिट जो है, डैट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट। और ये जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि कैपेबिलिटी के बेसिस पे होना चाहिए, ट्रेड यूनियन जो है वो कहती है कि सीनियोरिटी के बेसिस पे होना चाहिए। और ये जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और नेचुरली जो बॉस है आपको, वो अगर कह दे कि ये एफिशिएंट है, तो नेचुरली क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम नहीं पूछ सकते। और यहाँ पे क्या होता है कि सर्टेंटी नहीं होती, सीनियोरिटी के अंदर तो सर्टेंटी होती है, यहाँ पे पता ही नहीं क्या मेरिट नापने का क्या क्राइटेरिया है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन होती है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिसी है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सट्रीम है, सीनियोरिटी भी एक्सट्रीम है और
मेरिट भी एक्सट्रीम है, तो सीनियोरिटी कम मेरिट प्रमोशंस होने चाहिए। देखो जो मैनेजमेंट होती है वो मेरिट को ज़्यादा प्रेफर करती है, ट्रेड यूनियन सीनियोरिटी को प्रेफर करती है, और ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होता है सीनियोरिटी कम मेरिट होता है। और उसके अंदर क्या होता है कि क्राइटेरिया फिक्स होता है कि मिनिमम इसको इतने साल हो गए जॉब करते हुए, और नेचुरली वहाँ पे उसकी सीनियोरिटी को मेयर किया जाता है, उसकी जो मेरिट है उसको भी एक कॉमन फैक्टर के द्वारा जो है मेयर किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि उसकी प्रमोशन होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सीनियोरिटी और मेरिट जो है दोनों को जो है कंसिडर किया जाता है, दोनों को जो है वेटेज जो है प्रोवाइड